भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। विधिवत रूप से निर्वाचित सरकारों को कार्य नहीं करने दिया गया है और कुछ मामलों में वैध रूप से निर्वाचित विधानसभाओं को विघटित करने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। आंदोलनों से वातावरण भर गया। इस आवाज को भला कौन नहीं पहचानता। जी हाँ, यह आवाज भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की है। प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा जी ने यूं तो कई बार देश से संवाद किया, देश को संबोधित किया, सार्वजनिक घोषणाएं की, लेकिन आपने अभी इंदिरा जी का जो संबोधन सुना, जो घोषणा सुनी, वो भारत के इतिहास के सबसे काले अध्याय की शुरुआत का ऐलान था। और शायद इंदिरा जी का राष्ट्र को बोला गया सबसे बड़ा झूठ भी। इंदिरा जी का यह संबोधन है 26 जून 1975 का, वो दिन जब भारत के लोगों को पता चला कि देश पर आपातकाल थोप दिया गया है, वो दिन जिसके बाद भारत के लोगों ने अत्याचार और दमन से भरे एक काले लंबे दौर को देखा भोगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज बात होगी आजाद भारत के उस सबसे काले अध्याय की जिसे हम 1975 की एमरजेंसी के नाम से जानते हैं। आजाद भारत का आज तक का यह पहला और अकेला ऐसा दौर है जब भारत के नागरिकों के मूल अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, जब पूरे विपक्ष को जेलों में ठूंस दिया गया था और समाचार पत्रों को सरकार का तोता बना दिया गया था। पर सवाल यह उठता है कि 1975 के आपातकाल को आज याद करना क्या प्रासंगिक है? जी हां, बिल्कुल। दो कारणों से इसे याद रखना आज भी जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा। एक तो यह कि इतिहास की गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, और आज भारत में आपातकाल, अघोषित आपातकाल जैसे शब्दों को राजनीतिक जुमलों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए नई पीढ़ी को यह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि असल आपातकाल कैसा होता है या दरअसल कैसा था। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून की आधी रात को ही आपातकाल के अध्यादेश पर राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा लिए थे, लेकिन इसकी सूचना आम जनता को तब मिली जब अगले दिन सुबह इंदिरा जी ने ऑल इंडिया रेडियो से ये संदेश दिया। प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल के इस लिंक से जरा एक बार फिर सुनिए किस तरह भारत पर आपातकाल का अंधकार छाने वाली सूचना सुनाई गई थी। हिंसात्मक वारदातें हुई। मेरे मंत्रिमंडल के साथी श्री एल एन मिश्र की अमानुषिक हत्या से सारे देश को धक्का लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पर कातिलाना हमले की भी हम घोर निंदा करते हैं। कुछ लोग तो हमारे सशस्त्र सैनिकों तथा पुलिस को विद्रोह करने के लिए उकसाने लगे हैं। हमारे सैनिक और पुलिस अनुशासित और देशभक्त हैं और वे उनकी झांसेबाजी में नहीं आएंगे। फिर भी इसकी गंभीरता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। विघटन तत्व पूर्ण रूप से सक्रिय है और सांप्रदायिक भावनाएं उभारी जा रही हैं जिससे हमारी एकता को खतरा है। मुझ पर सभी प्रकार के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता मुझे बचपन से जानती है। मेरा सारा जीवन जनता की सेवा में बीता है। यह एक निजी मामला नहीं है।
यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री रहती हूँ या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद महत्वपूर्ण है और उसे जानबूझकर बदनाम करने का राजनीतिक प्रयास न तो प्रजातंत्र के हित में न राष्ट्र के। बहुत दिनों से इन घटनाओं को हम अत्यधिक धैर्य से देखते रहे। अब हमें इनके नए कार्यक्रमों का पता चला है, जिनसे सारे देश में सामान्य कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से कानून और व्यवस्था को चुनौती दी गई है। क्या कोई भी सरकार, जो सरकार है, देश के स्थायित्व को कैसे खतरे में पड़ने दे सकती है? कुछ के कार्यों से अधिकांश लोगों के अधिकार खतरे में पड़ रहे हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जिससे देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता कमजोर होती है, वह बाहरी खतरे को निश्चय ही प्रोत्साहन देगी। यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें। राष्ट्र की अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। आंतरिक स्थायित्व के खतरे से उत्पादन और आर्थिक उन्नति की संभावनाओं पर भी असर पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में निश्चित कार्रवाई से हमें कीमतों के बढ़ने को रोकने में व्यापक रूप से सफलता मिली है। हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से गरीब और असुरक्षित वर्गों तथा उन लोगों की जिनकी आय निर्धारित है, कठिनाइयों को दूर करने के और उपायों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। मैं शीघ्र इन उपायों की घोषणा करूंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। भारत के सभी हिस्सों तथा जनता के सभी वर्गों की सद्भावना संदेशों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपसे आने वाले दिनों में आपके सतत सहयोग और विश्वास की अपील करती हूँ। सुना आपने, तो इंदिरा जी ने कहा कि आपातकाल इसलिए लगाया गया क्योंकि उन्होंने जनता के लिए प्रगतिशील कदम उठाए थे और इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र हो गए, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था, निर्वाचित सरकारों को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा था आदि आदि। लेकिन क्या यह सच था? जी नहीं। प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर बोला गया यह इंदिरा जी का सबसे बड़ा झूठ था। दरअसल इंदिरा जी ने देश पर आपातकाल इसलिए थोपा क्योंकि एक तरफ तो भारत की अर्थव्यवस्था बुरे हाल में थी, चरमराई हुई थी, महंगाई अपने चरम पर थी। उस वक्त जानते हैं महंगाई की दर 19% थी और भारत की विकास दर महज 1% थी। लोग इससे निराश थे। कई राज्यों में इंदिरा जी के खिलाफ युवा आंदोलन कर रहे थे और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी के खिलाफ एक फैसला सुनाते हुए ये माना कि 1971 में रायबरेली से चुनाव जीतने के लिए इंदिरा जी ने भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने इंदिरा जी का चुनाव निरस्त कर दिया। यानी इंदिरा जी अदालत के इस फैसले के बाद ना सांसद रह सकती थी ना ही प्रधानमंत्री। इंदिरा जी को कोर्ट का यह फैसला पसंद नहीं आया। वो खुद को देश की सभी अदालतों से, संसद से, संविधान से ऊपर मानने लगी थी। कांग्रेस के लोग खुलकर कहते थे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, यानी इंदिरा गांधी ही भारत हैं। भारत के लोग इस आपातकाल में पिस रहे थे। लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था, संविधान और संसद की सांसें उखड़ रही थी। लेकिन इंदिरा जी की सरकार सरकारी साधनों का इस्तेमाल करके ये दुष्प्रचार कर रही थी कि कैसे इमरजेंसी भारत का भविष्य लिख रही है। देखिए उसी वक्त बनाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का ये हिस्सा। Houses are being cleaned up, gardens are being laid out, some dwellings are giving place to new construction. But in my mind, to the mind of all young people, I feel this is just symbolic
of the hopes and aspirations which have once again been aroused. एक तरीका है जिसे आज जो गरीब वर्ग है, जो विद्यार्थी वर्ग है, जो बहुत ज्यादा परेशान थे, वो आज समझते हैं कि इंदिरा गांधी ने उन्हें एक नया भविष्य दिखाने की कोशिश की है, तो इसलिए उन सब का इसमें बहुत ज्यादा सहयोग है। जून में आपातकाल लगने के 2 महीने बाद 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो हर तरह से इमरजेंसी को सही यानी जायज ठहराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी लगने से अनुशासन आ गया है। हालांकि उस वक्त भी कीमतें आसमान छू रही थी, पर इंदिरा जी ने इसका ठीकरा बारिश और मौसम के सर पर मढ़ दिया। हमको कुछ कठोर कदम उठाने पड़े, बहुत सोच के, बहुत भारी दिल से, लेकिन हम लाचार थे। उससे एक असाधारण स्थिति, एक माने में तो कह सकते हैं कि उत्पन्न हुई, लेकिन एक माने में कह सकते हैं कि जो असाधारण स्थिति चल रही थी महीनों नहीं वर्षों से, उसको थामने के लिए ये कदम हमने लिया और उसका क्या असर हुआ वो आपने देखा। कीमतें गिरने लगीं, एक नया अनुशासन का लहर सा आया। वही बच्चे जो परीक्षा नहीं देना चाहते थे वो परीक्षा के लिए स्वयं खुद जाके बैठे। दूसरे सब तबके भी अपने अपने काम में लगे। इस बीच में थोड़े से भाव तो बढ़े हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में हमेशा ही बढ़ते हैं। कुछ प्रकृति का कोप भी आया। इमरजेंसी को सही ठहराने के लिए इंदिरा जी और उनकी सरकार ने कई झूठ बोले। 26 जून के अपने भाषण में इंदिरा जी ने इमरजेंसी को सही ठहराने के लिए अपनी सरकार के बेहद लोकप्रिय रेल मंत्री एलन मिश्रा की अमानुषिक हत्या का भी कारण गिनाया। जबकि सच तो ये है कि लगभग 50 साल बाद भी इस हत्या के सही कारणों का आज तक पता नहीं चल सका है। आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथ में थी, इसके बावजूद वो अपने ही रेल मंत्री की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझा सकी। इमरजेंसी के दौरान देश में जो भी गलत हो रहा था, जो अत्याचार हो रहे थे, जो दमन हो रहा था, उसे कहीं दर्ज नहीं किया जाता था, इसका कहीं रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। जो कुछ रिकॉर्ड में था उसे भी धीरे धीरे मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। यही कारण है कि हम भी आपको प्रसार भारती आर्काइव से उस वक्त का बहुत सारा सच नहीं दिखा सकते। इमरजेंसी के बाद उस दौर के उन नायकों ने जिन्हें इसे देखा, भोगा, उनके अनुभवों से आप उस दौर की कुछ थोड़ी बहुत चीजों को जरूर जान सकते हैं। ये नीचे से बुनियाद से जो डेमोक्रेसी बने, ये नहीं कि करोड़ों वोटर हैं और 5 वर्ष में उनका वोट हो जाए और कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई जात की बात, कोई मिल्लत की बात, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई रुपया और कोई शराब और कुछ न गाली गलौज करके वोट ले ले और उसको हम कह दें कि बस ये जनता की हुकूमत बन गई, ये नहीं। और ऊपर से फिर जब लोगों की आजादी न हो, प्रेस की आजादी न हो, इसको सिविल लिबर्टीज कहते हैं, शहरी आजादियां वो लोगों की न हो, तो चाहे बेसिक डेमोक्रेसी कह लीजिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कह लीजिए, सोशल डेमोक्रेसी कह लीजिए, पीपुल्स डेमोक्रेसी, वो सब नाम है। बजा तो
आपातकाल के दस्तावेजों पर राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही 25 जून की आधी रात में ही इंदिरा गांधी का विरोध करने वाले लगभग सभी नेताओं को पुलिस ने पकड़कर जेलों में ठूंस दिया। जयप्रकाश नारायण से लेकर मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जयपुर की महारानी और ग्वालियर की राजमाता विजय राजा सिंधिया पर पैसों की हेरा फेरी का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें तिहाड़ जेल में डाल दिया गया। 65 साल की गायत्री देवी को फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा कानून और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत करीब 1,00,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूंस दिया गया था। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। जो लोग जेलों में बंद थे उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे मोरारजी देसाई इंदिरा जी के विरोधी थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके एक छोटे अंधेरे कमरे में रखा गया था जिसकी खिड़कियां तक बंद थी। अंधेरे कमरे में रहते हुए उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या चल रहा है। मोरारजी देसाई की आवाज में सुनिए कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। जो इमरजेंसी लादी गई देश के ऊपर और जिस ढंग से देश की लोकतंत्र को बर्बाद किया गया, खत्म कर दिया गया, करीब करीब लोकतंत्र नाम का ही रहा था, पर रहा था इसीलिए तो चुनाव हुआ। परंतु लोगों पर इतना जुर्म हुआ कि कोई बोल नहीं सकते थे, जो कोई बोले आवाज उठाए राज के खिलाफ उनको खत्म कर देते थे, जेल में बंद करे या तो उनके पीछे पड़ के उनको बर्बाद करे। ऐसे अनेक किस्से हुए, 1,00,000 से ज्यादा लोगों को जेल में रखे, लेकिन अखबार में कोई खबर नहीं, कौन पकड़ा गया, कहां रखा गया, किसी को मालूम नहीं। और विरोध पक्ष को बदनाम करने करे सिवाय दूसरा कोई काम शासक पक्ष ने दूसरा किया नहीं। 5-6 साल तक सारा देश का बोझा, नुकसान हो उस सब का, जो काम शासन कर नहीं सके और करे नहीं उसका भी आरोप विरोध पक्ष पर। और विरोध पक्ष हिंसा करना चाहते हैं, इसीलिए इमरजेंसी ला दी गई है, ऐसा भी बहाना बताया गया। परंतु इमरजेंसी तो ला दी गई थी इसीलिए कि तब जो प्रधानमंत्री थी उनका चुनाव रद्द किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट से तरफ से, और कानून में उन्होंने जो कुछ गलत काम किया था उसका कोई बचाव उनका नहीं हो सकता था और उनको छोड़ना पड़े, ऐसी हालत थी। और नहीं छोड़ने के लिए इमरजेंसी लाद के हमारे जैसे लोगों को बंद कर दिया और पार्लियामेंट में मनमाना कानून पसार कर दिया जो हमारे संविधान के खिलाफ था। परंतु विरोध पक्ष में कोई बोल न सके ऐसी हालत पैदा कर दी, अखबार कुछ लिख ही नहीं सके ऐसी अखबार पर जबरदस्ती की, कोर्ट में कोई शिकायत न हो सके ऐसा कानून बनाया, कोर्ट का अख्तियार ही ले लिया गया। इस तरीके से देश को इतना भयभीत बना दिया और कहते थे कि हमने शांति कायम की, श्मशान की शांति क्या काम की। आप जैसे अभी बैठे हैं
जिस शांति से आप अपने आप बैठे हैं वो शांति शांति है, मगर डंडा मार के गोली चलाकर बर्बाद करके शांति रखना वो तो स्मशान की शांति है, इंसान की शांति नहीं है जिंदे। इमरजेंसी लगते ही इंदिरा जी ने देश में प्रेस की आजादी खत्म कर दी। पहली रात अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि अखबार इमरजेंसी लगने की खबर या इसके विरोध में कुछ भी लिख या छाप ना सकें। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में एक सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया जिसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो रही थी। इमरजेंसी में ऐसे कई अखबार बंद हो गए जिन्होंने इंदिरा गांधी की तानाशाही के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। ऐसे कई पत्रकार गिरफ्तार कर लिए गए तो कई पत्रकार अंडरग्राउंड हो गए। कुलदीप नैयर जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी 3 महीने के लिए जेल भेज दिए गए। सुनिए कुलदीप नैयर ने अपना अनुभव कैसे साझा किया। आपको गिरफ्तार किया गया इमरजेंसी के दौरान, वो पूरा एक तरह से याद करिए वो दिन, पुलिस आई आपके घर पर, घर के लोगों ने उसको किस तरह से लिया, आप खुद क्या सोच रहे थे? देखिए मैं तो उस वक्त सो रहा था एयर कंडीशन में कमरे में, तो मेरी बीवी ने मुझे जगाया कि पुलिस आई है। मैंने कहा अच्छा पुलिस आई। मुझे एक दिन पहले चक्रवर्ती जो मेन स्ट्रीम के उसने कहा था, हाँ निखिल, उसने कहा था कि भाई अपना घर साफ कर लेना क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पे छापा लगाया जाएगा। ठीक है, तो मैं गया तो मैंने पुलिस वालों को कहा, वो जो आया हुआ था एसपी, मैंने कहा कि यू कैन सर्च माई हाउस। इसे नहीं जी, सर्च के लिए नहीं, हम तो आपको कैद करने के लिए आए। चलिए फिर, लेकिन मेरे माँ बाप थे, बहन थी, सबको पर फ़ोन किया, वो आए वगैरह। माँ तो बहुत रोई, बहन ने कहा नहीं नहीं तो अब तो तुम लीडर बन गए हो, ये इस तरह की बात कही। खैर लेकिन इस दौरान में मस्ट बी सेट टू द क्रेडिट ऑफ रामनाथ गोयनका कि रामनाथ गोयनका, चाहे मैं जितनी देर भी अंदर रहा, उसने मेरी बीवी को तनख्वाह दी, सब कुछ रखा, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ था क्योंकि रामनाथ गोयनका उस वक़्त गवर्नमेंट के साथ लड़ रहा था और लड़ते लड़ते उसने ये भी किया कि अपने जो उसके अखबार वाले थे उनके साथ स्टैंड अप किया और स्टैंड लिया ताकि एक मिल के इमरजेंसी को हमने मोड़ा। इमरजेंसी में 26 संगठनों को एंटी इंडिया कहकर उन पर बैन लगा दिया गया था। इनमें प्रमुख संगठन आरएसएस था। आरएसएस और जनसंघ के करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। संघ के कई स्वयंसेवकों को, उनके परिवार के लोगों को भयंकर यातनाएं दी गईं। कई स्वयंसेवकों की इन यातनाओं के कारण जान चली गई, पर इसके बावजूद आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता भूमिगत होकर देश में फिर से लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम कर रहे थे, जिनमें नरेंद्र मोदी जैसे युवा कार्यकर्ता भी थे जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जनसंघ के बड़े नेता जैसे अटल जी और आडवाणी जी जेलों में थे, पर देश को ये कह सकते हैं कि उस वक्त पूरी तरह से जेल बना दिया गया था और विरोधी स्वरों को दबा दिया गया था। अटल जी ने जेल में रहकर आपातकाल के विरोध में कविताएं लिखी जिसे बाद में कैदी कविराय की कुंडलियां के नाम से प्रकाशित किया गया। उनकी ऐसी ही एक कविता है, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून, भंग कर दिया संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह के यदि कविराय तोड़ कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। और अटल जी ने जो कहा था वही हुआ, इंदिरा गांधी हारी और एक बार फिर भारत में भारत माता की जय का नारा गूंजा। इमरजेंसी के विरोध में जब 1977 के आम चुनाव हुए तो देश की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया और तब दिल्ली के रामलीला मैदान में अटल जी ने जनता को संबोधित करते हुए
जनता से अपील की कि जनता को जागते रहना होगा ताकि डेमोक्रेसी लोकतंत्र बचा रहे। रामलीला मैदान से अटल जी ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया वो आज भी सबको जरूर सुनना चाहिए। वोट देकर काम खत्म नहीं होता, एक बड़ा काम शुरू होता है। अनुशासन के नाम पर जिन्होंने जातियां की थी उनका तो सफाया हो गया, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। अंतर केवल इतना है कि हमारा अनुशासन ऊपर से थोपा नहीं जाएगा, आत्मा अनुशासन होगा। जनता ने जो जागरूकता चुनावों में प्रकट की है वही दिन प्रतिदिन के जीवन में उसे दिखानी होगी। समाज का कोई वर्ग इस आंधी से अछूता नहीं रहा है, चाहे बुद्धिजीवी हो चाहे मजदूर। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो या सरकारी कर्मचारी, छोटा व्यापारी, वकील, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएं, गृहिणियां, सबने ये समझकर कि लोकतंत्र दांव पर लगाए अपने मताधिकार का उपयोग किया है। अधिकारों के प्रति सजगता आगे भी आवश्यक होगी। चुने हुए प्रतिनिधि गलत रास्ते पर न भटक जाए इसलिए आपको जागते रहना होगा। जो अपने को अनिवार्य समझते थे, जो समझते थे कि उनके बिना भारत चल नहीं सकता, जो अपने को और भारत को पर्यायवाची समझते थे, आज उनकी याद करके बड़ी दया आती है। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, अब शायद उन्हें अनुभव हो रहा होगा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। जनता पार्टी में, जनता पार्टी के समर्थकों में ऐसा अहंकार कभी पैदा नहीं होने दिया जाएगा, इसका हम आपको विश्वास दिलाते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा हो मगर देश से बड़ा नहीं हो सकता। कोई दल कितना भी शक्तिशाली हो मगर 62 करोड़ जनता से अधिक शक्ति नहीं रख सकता। व्यक्ति आएंगे चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, नई पार्टियां जन्मेंगी, सरकारें कायम होंगी बदलेंगी, मगर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का वर्णन करने के लिए अमरकाल तक इस तीर्थ यात्रा में चलता रहेगा।